नागपुर में महाराष्ट्र कैबिनेट के फोटो सेशन के दौरान लगे जय श्री राम के नारे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी थे मौजूद। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का आरोप, गोली मारकर की जा सकती है उनकी हत्या, मराठा नेता जारंगे पाटिल पर गंभीर आरोप। अभिनेता शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ पहुंचे शिरडी, साई बाबा मंदिर में किए दर्शन की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने जम्बुल खेड़ा ब्लास्ट के मास्टरमाइंड समेत दो को किया ढेर, 2019 का बदला हुआ पूरा। बीएमसी ने मुंबई के बांद्रा के नालों में कचरा डंपिंग से निपटने के लिए स्टील नेट और सीसीटीवी की शुरुआत की। झुग्गी इलाकों में समस्या सबसे ज्यादा है, जहां फर्नीचर तक को लोग नाले में फेंक देते हैं, वहां अब जाल और सीसीटीवी लगाया जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे ने अंधेरी स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों से 8 घंटे में 999 बेटिकट यात्रियों से वसूले 2,65,000 रुपए। इसके लिए अंधेरी स्टेशन पर 36 टिकट निरीक्षक और 10 आरपीएफ और महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवानों सहित 46 कर्मियों का बल तैनात किया था। दिवंगत अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर के अहमदनगर स्थित घर में हुआ भयानक हादसा, फ्लैट में आग लगने से एक महिला घायल। अब विरार स्टेशन पर भी रुकेंगे मुंबई सेंट्रल भुसावल एक्सप्रेस ट्रेन, 16 दिसंबर से शुरू होगा ट्रेन का ठहराव। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बीएमसी ने रोका, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स में चल रहे कार्यों में प्रदूषण नियंत्रण गाइडलाइंस की अनदेखी के आरोप में बंद करवाया काम। मुंबई में दर्ज हुआ इस सीजन का सबसे कम तापमान, मुंबई को हल्की ठंडी का एहसास, तापमान आया 19 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे। पनवेल और मड़गांव के बीच सेंट्रल रेलवे चलाएगा 14 स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर ट्रेनें, 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक होगी वैलिडिटी। संसद में घुसने वाला अमोल शिंदे आतंकवादी नहीं, सभी प्रकार की कानूनी मदद करेंगे जाने माने वकील असीम शरोदे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर बीजेपी नेता मनोज बरोट ने 22 जनवरी को पूरे देश में छुट्टी घोषित करने और मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 10वीं मंजिल पर एक कॉमर्शियल इमारत के परिसर में बृहस्पतिवार को लगी आग, कोई हताहत नहीं। तलोजा में मुंबई सीमा शुल्क द्वारा 410 करोड़ रुपए मूल्य की नारकोटिक्स दवाएं नष्ट, जिनमें हीरोइन, कोकीन, मारिजुआना, चरस आदि शामिल, जो विभिन्न कार्रवाई के दौरान जब्त की गई थी। मुंबई के अकेले एक शख्स ने इस साल स्विगी पर ऑर्डर किया 42,30,000 रुपए का खाना, स्विगी ने किया दिलचस्प खुलासा। रायगढ़ के पेड़ तालुका में बड़ा हादसा, पानी भरे खेत में घुसी बस, इस भीषण हादसे में 40 स्कूली छात्र बाल बाल बचे, कुछ छात्रों के आंशिक घायल होने की सूचना। कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में महानगर पालिका ने आयुष्मान भारत के बनाए 556 कार्ड, महानगर पालिका कमिश्नर इंदुरानी जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। बिना शादी मां बनने की बात छिपाने के लिए नवजात बच्ची को कूड़ेदान में फेंकने के आरोप में मां हुई गिरफ्तार, मुंबई के सायन अस्पताल का मामला, महिला धारावी से गिरफ्तार। मुंबई में मॉडल का न्यूड वीडियो वायरल, विरार के अरनाला में शूट हुआ वीडियो, मॉडल ने विरार के अरनाला में दर्ज कराई एफआईआर। बाइक चोरी होने पर सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द, भावुक पोस्ट पढ़कर चोर ने लौटा दी मोटरसाइकिल। लहसुन चोरी के आरोप में अपनी दुकान में काम करने वाले युवक को दुकानदार ने पीट पीट कर मार डाला, 7 महीने पहले रोजगार की तलाश में मुंबई आया था मृतक पंकज मंडल, दुकानदार गिरफ्तार, बोरीवली की घटना। मुंबई क्राइम ब्रांच में 30 लाख की ड्रग्स के साथ 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया, मुंबई के घाटकोपर से बरामद हुई भारी मात्रा में ड्रग्स। मीरा भाईंदर के काशीमीरा में बियर बार से निकले व्यक्ति को ऑटो रिक्शा चालकों ने लूटा, 3 रिक्शा चालक गिरफ्तार। माँ और 2 बेटे मिलकर करते थे चोरी, मीरा भाईंदर पुलिस ने किया खुलासा, 8 लाख का सोना बरामद, 3 गिरफ्तार।